धान एक बहुत ही गंभीर मसला है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। करोड़ों रुपए का धान आज छत्तीसगढ़ के गांवों में खुले में पड़ा हुआ है और उन धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव नहीं हो रहा है। पहले ये व्यवस्था थी कि धान खरीदी केंद्र से धान उठा करके धान संग्रहण केंद्र तक पहुँचे और वहाँ से कस्टम मिलिंग के जरिए उसका कस्टम मिलिंग किया जाता था, लेकिन इस सरकार की अव्यवस्था और दूरदर्शिता के कारण ये सारे काम ठप पड़े हुए हैं और बेमौसम बारिश से करोड़ों रुपये का धान नष्ट हो रहा है, सड़ रहा है, उसके बचाने का भी कोई इंतजाम नहीं है। और ये करोड़ों का धान जो ख़राब हो रहा है वो छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के पैसे का है, इसलिए सरकार की इस अक्षमता पर, इस नाकामी पर और इस अव्यवस्था पर हम चाहते थे कि सदन में इस सदन के माध्यम से चर्चा हो, ताकि उन्हें हर केंद्र के हिसाब से बता सकते कि कितने लाख मेट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ में आसमान के नीचे पड़ा हुआ है और उसे बचाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन वो स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए उस पर चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई।